ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। प्रदेश में बढ़ती गुंडागर्दी पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। यहां कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में थोड़ा भी दहशत नहीं। दुर्ग में चाकूबाजी से युवक की मौत और राजधानी में हिंसक घटनाएं लचर कानून व्यवस्था के ही परिणाम है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार अपराध में तेजी से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। आज दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में फिर से चाकूबाजी की घटना हुई, एक युवक की जान चले गई। कल रायपुर के जय स्तंभ चौक में, शास्त्री बाजार में, प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में लगातार हत्या, डकैती, फिरौती, चैनिंग, स्कैनिंग, नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं और यह किसी भी राज्य में उस सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक होता है जिसके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा जाती है। हमारी ये मांग है कि अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये सरकार अपराधियों को लगातार संरक्षण प्रदान कर रही है। प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इसलिए इस प्रदेश में लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।